नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। महाराष्ट्र में सरकार गठन के एक महीने बाद उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें दो नेताओं के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इनमें से एक नाम है अजीत पवार का, जिन्होंने शिवसेना को धोखा देकर बीजेपी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। अजीत पवार उद्धव सरकार में भी डिप्टी सीएम ही रहेंगे, जबकि दूसरा नाम आदित्य ठाकरे का है। आदित्य ठाकरे का नाम पहले महाराष्ट्र के सीएम की रेस में चल रहा था, लेकिन एनसीपी कांग्रेस से सहमति नहीं मिलने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। इनके साथ एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के कुल 36 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह विधान भवन में ही आयोजित किया गया था, जहां एक शानदार मंच सजाया गया था। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। उद्धव के मंत्रालय में कांग्रेस के 12, एनसीपी के 14 और शिवसेना के 16 विधायक कैबिनेट और राज्य मंत्री बने। इनमें कांग्रेस के अशोक चव्हाण का नाम भी शामिल है। उद्धव के मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को शामिल किया गया है, उनमें कांग्रेस से अशोक चव्हाण, केसी पडवी, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, सुनील केदार, यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, सतेज पाटिल और विश्वजीत कदम के नाम है। तो वहीं एनसीपी से अजीत पवार, धनंजय मुंडे, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, जितेंद्र अवहार, नवाब मलिक, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, बाला साहेब पाटिल, दत्ता भरणे, अनिल देशमुख, राजेश टोपे और डॉक्टर राजेंद्र शिंगड़े जैसे नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। बात शिवसेना की करें तो शिवसेना से आदित्य ठाकरे, अनिल परब, प्रताप सरनाई, रविंद्र वायकर, सुनील राव, उदय सामंत, आशीष जायसवाल, बच्चू कडू, संजय राठौर, शंभु राजे देसाई, प्रकाश अबिटकर, संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, गुलाब राव पाटिल, दादा भूसे, सुहास कांदे।